स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन 11 सुनीता इन स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। सुनीता विलियम के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। वो कौन थी? वो इज सुनीता विलियम। जी हाँ, सुनीता विलियम इज एन एस्ट्रोनॉट। वो एक एस्ट्रोनॉट थी। अ पर्सन हु गोज इन द स्पेस टू लर्न अबाउट प्लैनेट एंड हेवनली बॉडी। ये वो लोग हैं जो पृथ्वी से हटकर स्पेस में जाकर स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, उनके प्लैनेट्स के बारे में, हेवनली बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं और फिर हमें उनकी नॉलेज देते हैं। ठीक है। सी वॉज द सेकेंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। वो क्या थी? सेकेंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी ऑफ इंडियन हेरिटेज टू गो इन स्पेस। इंडिया की तरफ से वो स्पेस में गई थी और वो सेकेंड वुमेन थी। सबसे पहला कौन गया था स्पेस में? आप सबको मालूम होगा, उसका नाम है राकेश शर्मा। सेकंड थी कल्पना चावला, 1997 में गई थी, लेकिन किसी एक दुर्घटना के, स्पेस दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद जो गई है वो थी हमारी सुनीता विलियम। वो कब गई थी? June 22, 2007 में ये गई थी सुनीता विलियम। अब मैं इसके बारे में आपको और एक डिस्कशन कर रही हूँ। ये जो चैप्टर है इसमें एक स्टोरी है कि सुनीता विलियम एक स्कूल में विजिट कर रही है और वहाँ के जो बच्चे हैं आपस में खूब सारा डिस्कशन कर रहे हैं सुनीता विलियम को लेके। क्या तुम्हें मालूम है कि कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है? तो दूसरे जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ हमें पता है, कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम आने वाली है। तो क्या तुमको मालूम है ये सुनीता विलियम कौन है? तो बच्चे बोलते हैं कि सुनीता विलियम को कौन नहीं जानता, हमारे देश में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इनको नहीं जानता है, क्योंकि ये जो महिला है ये अभी अभी रिसेंटली मैंने टीवी में देखा था इनके बारे में कि ये स्पेस शिप की हेल्प से स्पेस में गई थी और 6 महीने तक स्पेस में रही है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इनसे मिलने की, हमें इनसे मिलना है, उनसे पूछना है कि आपने स्पेस में क्या करा, किस तरह के क्या यानी कि स्पेस में कैसा होता है, किस तरह के साथ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे और आपने वहाँ क्या क्या देखा, ये सब कुछ हमें उनसे जानना है। हमें उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। पर एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो दूसरी फ्रेंड ने बोला, वो क्या? ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब को मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, कब से देख रहा हूँ, इसमें कितनी सारी कंट्री है, ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है, ये देखो ना अफ्रीका में कितने छोटे छोटे बहुत सारे शहर हैं और ये अमेरिका है, लेकिन हमारा इंडिया, हाँ ये रहा हमारा इंडिया। वो दोनों की दोनों वो ग्लोब को देख रही थी और उससे पूरा अंदाज़ा लगा रही थी। सुनीता विलियम स्पेस में गई है ना, तो वहाँ से उन्होंने देखा होगा हमारा अर्थ कैसे दिखता है। हाँ, लगता है हमारा अर्थ बिल्कुल ग्लोब की तरह ही लगता होगा, है ना? अगर हमारा अर्थ ग्लोब की तरह लगता है तो हम उसमें कहाँ रहते हैं और किस तरीके से रहते हैं? हम ग्लोब के अर्थ के अंदर रहते हैं कि अर्थ के बाहर रहते हैं, यानी कि ग्लोब के अंदर रहते हैं कि ग्लोब के बाहर रहते हैं? फिर सोच के बोलते हैं कि हो सकता है अगर हम अर्थ के ग्लोब के अंदर रहते हैं तो फिर ये जो नदी है, पानी है, सन, स्टार, ये सब कहाँ है? ये तो सब स्पेस में है, ये तो सब बाहर है, तो ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम कहाँ रहते हैं अगर हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, ग्लोब के ऊपर रहते हैं, तो फिर हम क्यों गिरते नहीं हैं? तो ये सब चीज़ें तो जानने के लिए हमें जरूर सुनीता विलियम से मिलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे पूछते हैं कि उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। व्हाट डू यू थिंक, इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ? अगर अर्थ का शेप एकदम ग्लोब की तरह है तो क्या हम कैसे उसके ऊपर खड़े रह सकते हैं? हम गिर नहीं जाएंगे? लेकिन जी हाँ, हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ, यानी कि जो मैग्नेट है, ग्रेविटेशन फोर्स में जो मैग्नेट है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, पकड़ के रखता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टूवर्ड इटसेल्फ, दैट इज वाई, यही एक रीजन है वी डू नॉट फॉल ऑफ, जिसके कारण वो हमें पकड़ के रखता है, जिसके कारण हम स्टेबल रहते हैं, गिरते नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन फिर उनके दिमाग में बच्चों के लिए उठा
डू द पीपल लीव ब्राजील और अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड और डाउन? उनके दिमाग में एक और क्वेश्चन उठा, क्या जो लोग वहां पे रहते हैं ब्राजील और अर्जेंटीना में, दे स्टैंड अपसाइड एंड डाउन? इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। शेयर करो ठीक है। तो सुनीता विलियम ने बताया कि उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी कल्पना चावला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी स्पेस में गई थी पर एक दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी कल्पना चावला, उनको बहुत इच्छा थी कि मैं इंडिया में जाऊँ। मेरा एक ड्रीम था कि मैं इंडिया में जाऊँ और इंडिया के बच्चों से मिलूँ और उनसे मिलके जाके पूरी स्पेस की बातें उनको बताऊँ और उनके बारे में नॉलेज लूँ कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, पूछना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, उनको स्पेस के बारे में बताना चाहती हूँ। पर उनका कहीं ना कहीं ये ड्रीम अधूरा रह गया। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कहा था कि तुम मेरी जगह पे तुम जाना इंडिया में और वहाँ जाके मेरी सारी इच्छा पूरी करना, बच्चों से मिलना और उनसे जानकारी लेना कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं और स्पेस के बारे में उनको बताना। तो वो यहाँ पे आई थी और बच्चों के साथ बहुत अच्छा डिस्कशन करा और बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छी अच्छी बातें हमारे बच्चों को सिखा के दी, ठीक है। अब सुनीता विलियम ने अपना जो एक्सपीरियंस था वो बच्चों के साथ शेयर करा था, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि स्पेस में जाकर उन्होंने क्या क्या करा था, क्योंकि 6 महीने वो स्पेस में रहकर आई थी। तो हम देखते हैं, सुनीता विलियम वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेसशिप, यानी कि कितने किलोमीटर अवे थी, 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इन स्पेसशिप। दूसरा, सुनीता विलियम एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, अब वो बताना चाहती है कि मैं जो 6 महीने स्पेस में रहकर आई तो हमने क्या क्या चीज का अनुभव किया, ठीक है। तो वो आपके साथ शेयर करना चाहती है, तो डेट और इवेंट्स के साथ वो हमें बताना चाहती है। तो 9/12/2006 में स्पेस क्राफ्ट टेक ऑफ किया था, यानी कि स्पेस के लिए वो लोग यहाँ से उठे थे, ठीक है। फिर दूसरा है 11/2006 में जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था कि फ्लाइंग और फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसशिप, यानी जो स्पेसशिप के अंदर उनके साथ क्या हो रहा था, वो बहुत इजीली फ्लाई और फ्लोट कर रहे थे, पेपर वगैरह सब कुछ फ्लोट कर रहा था क्योंकि तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता नहीं है स्पेस में। फिर 11 तारीख को टेकिंग फूड, जब वो खाना खाने बैठे टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर जब वो खाना खाने बैठे तो जो फूड पैकेजेस उन्होंने वहां रखे थे खाने के लिए, तो वो भी हवा में फ्लोट कर रहे थे, उड़ रहे थे। तो वो फूड पैकेज को कलेक्ट करने में उनको बहुत मजा आ रहा था, बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा था। फिर 13 तारीख को 2006 में सुनीता इज वर्किंग, सुनीता काम कर रही थी जो काम के लिए वो वहाँ पे गए थे। जब वो काम कर रही थी तो उनका ऐसा कहना था कि मेरे बाल हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते काम करने में, क्योंकि बाल जो थे वो सारे ऊपर के साइड थे, जो भी सारे बाल है सारे ऊपर के साइड थे और बिल्कुल भी काम करने में डिस्टर्ब नहीं करते थे, ना तो वहाँ कोई कंघी करनी पड़ती थी ना कुछ नहीं, एकदम इजीली हम अपना काम करते थे, बालों की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। दूसरा था, उसके बाद गई 2006 में सुनीता इज रोमिंग आउटसाइड द स्पेस लैब। उसके बाद अपना काम खत्म करने के बाद सुनीता विलियम स्पेस से बाहर आई और बाहर आके वहां रोमिंग कर रही थी और बाहर आके उन्होंने देखा, क्या क्या देखा ये मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। सुनीता डिस्क्राइब और सुनीता विलियम ने अपना व्यू डिस्क्राइब करा जब
वो स्पेस में स्पेस क्राफ्ट में बैठी हुई थी तो उसकी विंडो से जो उन्होंने देखा वो बता रही है, डिस्क्राइब कर रही है, द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। ऊपर से जो अर्थ दिखाई दे रहा था वो इतना ब्यूटीफुल और अमेजिंग लग रहा था। और क्लियरली सी द कर्व शेप ऑफ द अर्थ, उन्होंने विंडो से क्लियरली देखा कि कर्व शेप ऑफ द अर्थ किस तरीके से लगता है। वो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था उनका। और उन्होंने वहाँ पे जो फोटोग्राफ्स खींचे थे वो जो टेस्ट रूम थे उसमें पेज नंबर 102 पे उन्होंने डाले हैं। तो वो फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो उससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि उन्होंने वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया था। फिर साइंटिस्ट ट्राई हार्ड टू फाइंड आउट हाउ बिग इज द अर्थ। पहले के समय में किसी को ये पता ही नहीं था कि हमारी पृथ्वी का शेप और साइज किस तरीके का है, तो वो लोग अपने आप से ही अनुमान और अंदाजा लगाते थे। लेकिन उसके बाद जब स्पेस पे गए तब पता चला साइंटिस्ट को कि अरे वाह, हमारा अर्थ तो कितना खूबसूरत है, एकदम गोल शेप का है, राउंड शेप है और कितना खूबसूरत दिखता है। लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री, सुनीता saw the earth from space look very beautiful। क्या है, हम अपने मैप को देखते हैं, ठीक है, हम मैप को देख के ही अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे ये कंट्री है, वहाँ पे वो कंट्री है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ओशन है, ये अफ्रीका इधर है, अमेरिका इधर है। लेकिन जब सुनीता ऊपर गई, स्पेस में गई, वहां से उन्होंने देखा तो उनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं दी। उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे ये दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा, ये कंट्री दिखाई देगी, वो कंट्री दिखाई देगी, पर वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ऊपर से क्या, स्पेस लुक वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम सो फार, लैंड सी डिफरेंट कंट्री आर नॉट एबल टू सी। वहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो मैप हमने खुद देर तैयार करा था, ये हमारे दिमाग में जो हमने अपने आप से प्रिपेयर करा था, अपने आप से जो हमने मैप बनाया, ये एक इमेज हमारे दिमाग में बैठ गई है, जो लाइन हमने बनाई है वो इमेज हमारे दिमाग में बैठ गई, उसी के हिसाब से हम उसको देखते हैं और समझते हैं। पर ऊपर से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उनको, और सब यानी कि हाँ पानी दिखाई दे रहा था, ब्लू दिखाई दे रहा था, और अर्थ बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल और अमेजिंग लग रहा था। चलने वाले, तो उनको देख के सुनीता जब छोटी थी तब उन्होंने सोचा था कि मैं भी एक दिन कुछ ऐसा जरूर कर जाऊंगी जिसकी वजह से मैं भी स्पेस पे जाऊंगी, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो सुनीता लव स्पोर्ट्स और स्विमिंग, उनको स्पोर्ट्स और स्विमिंग बहुत अच्छा लगता था, हालांकि पढ़ाई में उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद थोड़ा प्रयास करने के बाद सी बिकम अ पायलट, हेलीकॉप्टर की वो पायलट बनी। उसके बाद स्पेस मिशन ज्वाइन करा 2007 में। उसके बाद की सारी स्टोरी तो आपको मालूम ही है, 2007 के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया। थैंक यू।